वजह से चल भी नहीं पा रहा था, फिर भी कोच ने बहुत मोटिवेट किया हमारा कोच ने, और जो जितना दिया था मैंने किया है और बस गोल दिलवा दिया। तो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम से तो यहाँ आके आपका आपका टांग क्या था, मेडल था कि कुछ वेट था? इसके लिए काफ़ी प्रिपेयर किया हमने, बर्मिंघम में पहले से साई और टॉप स्कीम का थ्रू से हम लोग इधर से वन मंथ पहले ट्रेनिंग करने के लिए इधर आया है, और एक्सपेक्ट काफ़ी ज़्यादा था, और इस बार मतलब अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना था मुझे और रिकॉर्ड भी तोड़ना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी हमें मेडल मिला, बहुत खुश है। जर्मी जब आपका फर्स्ट लिफ्ट हुआ क्लीन एंड जर्क में जी, तो थोड़ा पेन हुआ था ना वापस यहाँ पे आके, एग्जैक्टली बताएंगे मसाज चल रहा था क्या चल रहा था? मेरा मसल क्रेम हो गया था, मेरा थाइस मसल और मेरा हैमस्ट्रिंग, तो वार्मिंग अप में ही हुआ था, वार्मिंग अप भी मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ 120 और 140 तक किया मैंने, बस सीधा आगे स्टेज में वेट कम करा के कोच साहब ने लेके आ गए इधर, और बस जो देखा वही उठा दिया। तो फिजियो आपको तो मसाज करा रहे थे जब? यस सर, हमारा हरियाली में फिजियो बीच में बुलाया था, तो उन्होंने रिलीज किया थोड़ा सा। किस पार्ट पे? बॉडी के, बॉडी के किस पार्ट? बॉडी के किस मेरा थाइस, फ्रंट थाइस और इनर थाइस स्ट्रेच और मसाज किया, और काफ़ी बेटर हुआ है। सेकेंड लिफ्ट भी पास हुआ था, थर्ड लिफ्ट हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी हाँ काफ़ी ट्राई किया था मैंने। सर यूथ ओलंपिक के बाद मेरा मेजर कॉम्पिटिशन यही है, उससे पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशिया चैम्पियनशिप काफ़ी खेला, चैम्पियनशिप मिले, गेम्स का ये मेरा दूसरा बार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, मेहनत भी किया बहुत ज़्यादा, और लेकिन देखा है कि कुछ कारण से कुछ नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी ये मेडल मिला, खुश है। हाँ जी, ये जो आपका थर्ड लिफ्ट था क्लीन एंड जर्क में, आप उसके बाद आपका रिस्क भी, आपके हाथ भी पकड़ कर आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, क्या हुआ? वो भी मसल खींच गया था, पुल हो गया था उस टाइम पे भी, मेरा एल्बो भी, दोनों थाइस और एल्बो एक साथ, तो उसके वजह से जर्क में होल्ड नहीं हो पाया। अभी ठीक हो? अभी हाँ, अभी थोड़ा ठीक है, क्योंकि नमक पानी और इलेक्ट्रोड वगैरह पिया है अभी। आपको थोड़ा डाउट हुआ क्योंकि यू नो ओपोनेंट आपके 174 कर रहा था, जिससे आगे जा सकता था, तो कुछ समय के लिए आपको थोड़ा सा? मैं तो लास्ट लेके कुछ समझ में नहीं, क्या हो रहा है मेरा साथ, मैं तो एकदम ब्लाइंड था, बस बोर्ड रोया आज, और लेकिन कुछ अमेजिंग है, देखा ही होगा सेफली मेडल किस में आना है, मतलब हमारा कोच साहब ने पूरा कैलकुलेट करके ही दिया है मुझे, उसके हिसाब से बस कोई प्रेस मतलब ऐसे डाउट नहीं था। हाँ जी, लेकिन जब उसने लास्ट लिफ्ट गिराने के बाद जो ओपोनेंट था को साहब से रो रो के पूछा कि मेरा मेडल आया कि नहीं मेरा, उनको साहब ने बताया कि गोल्ड है हमारा। आपको पता था कितना लिफ्ट कर रहे थे वेट? नहीं सर, वो क्लीन एंड जर्क में कुछ पता ही नहीं चला मुझे, इतना पेन हो रहा था कि सर ऐसे लग रहा है कि कहीं और दुनिया में मैं सपने में। तो जब गोल्ड मालूम पड़ा तो क्या इमोशंस थे आपके? बहुत ऐसे लग रहा है कि सर सपना है, अच्छा लगा मुझे। आगे आपके क्या टारगेट रहेंगे? ऑब्वियसली अभी पैरिस है, गोल्ड चैंपियनशिप है, लेकर वेट कैटेगरीज का। हाँ जी, ये मेरा लास्ट 67 केजी में होगा, इसके बाद मैं 73 चला जाऊंगा बॉडी वेट गेन करके, ओलंपिक के लिए तैयारी करूँगा। अभी क्या प्लान्स है आफ्टर द मेडल राइट नाउ सेलिब्रेशन? अभी देखेंगे, कोई प्लान नहीं है, बस ये फुल फोकस में था, अभी पता चलेगा। हाँ जी, मीरा भाई चानू भी स्टैंड्स में थी, आपको देख रहे थे। हाँ जी, तो कैसा लग रहा था वो? बहुत अच्छा, वो दीदी पहले ही वार्मिंग अप से पहले ही मुझसे भी मिल के गया है बेस्ट ऑफ लक करने के लिए, और मिला है स्टेज में भी, लीव करने से पहले देखा है, और इतना पब्लिक था, इंडियन इतना सपोर्ट करने है, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन सब को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मुझे इन सब प्यार मिला है मुझे, तो उसका थैंक यू। इसको डेडिकेट करोगे पूरा देशवासी? जेरेमी इधर गोल्ड मेडल।